आमिर खान ने जूही के बर्थडे पर दिया था ऐसा गिफ्ट, साथ में किया था एक फिल्म जम कर किया रोमांस, और जब जूही का जन्मदिन आया तो आमिर ने अपनी को स्टार को एक ऐसा तोहफा दिया कि सब हैरान रह गए थे। स्पेशली तोहफे की प्राइस सुनकर तो आपके भी उड़ जाएंगे होश। तो आखिर आमिर ने जूही चावला को किस किस्म का गिफ्ट दिया था और इसकी कीमत क्या थी, आइए जानते हैं। दरअसल संडे की रात टीवी के पॉपुलर डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में जूही चावला बतौर स्पेशल गेस्ट नजर आई थी। शो के दौरान उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े कुछ मजेदार किस्से शेयर किए। उन्होंने बताया कि आमिर खान ने उन्हें जन्मदिन पर किस किस्म का गिफ्ट दिया था। देखिए झलक दिखला जा 11 के हालिया एपिसोड के दौरान जूही ने आमिर खान के बारे में एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया। फराह खान ने जूही से किसी सेलिब्रिटी से मिले सबसे सस्ते गिफ्ट के बारे में पूछा तो जूही ने कहा कि आप चाहती हैं कि मैं उनका नाम बताऊं, तो वो शख्स हैं आमिर खान। जूही ने आगे कहा, ये तब की बात है जब हम नए नए स्टार बने थे। उस दिन मेरा बर्थडे था। मुझे शाम को आमिर ने फोन किया और कहा कि वो जन्मदिन के मौके पर मेरे घर आएंगे। आमिर बधाई देने मेरे घर आए थे। वहाँ सभी लोग काफी एक्साइटेड थे। आमिर वहाँ बैठे और मेरे लिए एक छोटी सी चॉकलेट निकाली और कहा कि ये मेरी गिफ्ट है। यानी कि जूही ने बताया कि आमिर खान ने उन्हें सबसे सस्ता गिफ्ट दिया था जो कि एक चॉकलेट थी। जब जूही ने इस किस्से को शेयर किया उसके बाद सभी लोग इसको सुन करके हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। इतना ही नहीं, जूही ने ये भी शेयर किया कि इश्क की शूटिंग के दौरान अजय देवगन और आमिर खान लगातार मजाक किया करते थे। हालांकि दोनों स्टार चेहरे से सीधे और मासूम दिखते थे लेकिन सेट पर बहुत ही शरारती थे और प्रैंक किया करते थे। जूही ने बताया कि एक बार सेट पर एक नया असिस्टेंट डायरेक्टर आया था। जब भी वो किसी शॉट के लिए क्लैप देने आते थे तो अजय और आमिर उन्हें थपथपाते थे और क्लैप बोर्ड हिल जाता था। इस वजह से एडी को अक्सर डायरेक्टर इंद्र कुमार से डांट खानी पड़ती थी, ये जानते हुए भी कि इस शरारत के पीछे आमिर और अजय थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जूही चावला ने आमिर खान के साथ कई फिल्मों में काम किया है। 1984 की मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने के बाद जूही ने साल 1986 में आई फिल्म सल्तनत से डेब्यू किया था। फिर उन्होंने साल 1988 की रिलीज कयामत से कयामत तक की, जिसमें उन्होंने आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर की। इस मूवी ने उन्हें सक्सेसफुल एक्ट्रेस बना दिया। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।